जटा संगत त्रिवेदी महाविद्यालय में बरसों से काम कर रहे जन भागीदारी कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने की मांग की। 7 दिन के भीतर मानदेय नहीं बढ़ाने पर आंदोलन की दी चेतावनी। जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर दूर नेत्रा से खुरसोड़ी पिंडई मार्ग हुआ जर्जर, लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। स्थानीय जनों ने जल्द ही सड़क बनाए जाने की मांग की। शहर के कालीपुतली चौक स्थित चौपाटी के सामने से चोरी हुई मोटरसाइकिल, वार्ड नंबर 13 निवासी धनेंद्र तुरकर ने दर्ज करवाई कोतवाली पुलिस में शिकायत। देश के जम्मू कश्मीर में हिंदुओं के साथ हो रही घटनाओं पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारियों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। जिले के 15,584 इनकम टैक्स जमा करने वालों धनवान किसानों ने पीएम सम्मान निधि योजना के नाम पर शासन को लगाया 9,35,00,000 रुपए की चपत, जांच में हुआ खुलासा। सरकार की योजना का लाभ लेने में निजी कंपनी, व्यापारी, उद्योगपति के साथ ही सरकारी कर्मचारी अधिकारी भी शामिल, वसूली के नाम पर राशि 6,000 रुपये जमा करने में दिखा रहे कोताही। जिला प्रशासन के द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बाद 15,584 धनवान किसानों में से महज 804 किसानों ने जमा करवाए पीएम सम्मान निधि की राशि 48,24,000 रुपये। शासन के खाते में अभी 14,780 धनवान किसानों को जमा करना है 8,86,80,000 रुपये। नोटिस के बाद भी सरकारी कर्मचारी और निजी क्षेत्र के लोग राशि जमा करने में नहीं दिखा रहे रुचि। प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने आयोजित की बैठक, फीस प्रतिपूर्ति के राशि नहीं मिलने पर जताई चिंता, स्कूल के संचालन में हो रही परेशानी की दी जानकारी। शहर के जटा संगत त्रिवेदी महाविद्यालय में सीट बढ़ाए जाने की मांग को लेकर रोजाना छात्र संगठन और अन्य संगठनों के द्वारा किया जा रहा है विरोध प्रदर्शन। शुक्रवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा दी गई है नारेबाजी, जताया गया विरोध। विभिन्न मांगों को लेकर अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा किया गया आंदोलन। शहर के बस स्टैंड में धरना प्रदर्शन कर सरकार की नीतियों का जमकर किया विरोध। रैली निकालकर जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। वाराणसी के सबसे प्राचीन शीतला माता मंदिर में 321 मनोकामना कलश किए गए प्रज्वलित, भक्तिभाव से मनाया जा रहा है नवरात्रि पर्व। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा ने किया मेहंदीवाड़ा, सुनझरा, सिंगोड़ी, गोंडी टोला के स्कूलों का निरीक्षण। गोंडी टोला के प्राचार्य प्रदीप कोसरकर को निलंबित करने के लिए दिया आदेश। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश मिश्रा के द्वारा निरीक्षण के दौरान गणित विषय सही तरीके से नहीं पढ़ाने के मामले में सुनझरा के शिक्षक राजेंद्र गौतम और गोंडी टोला की शिक्षिका गंगेश्वरी ठाकरे को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। नवरात्रि पर्व को देखते हुए भारी वाहन के शहर में प्रवेश के लिए निर्धारित किया गया समय। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित की गई बैठक, व्यापारी और प्रशासनिक अधिकारियों ने लिया बड़ा निर्णय। सुबह 7:30 से 9:30 बजे, दोपहर में 12:30 से 2:30 बजे और शाम 7 से 1 बजे तक शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर रहेगी रोक। बालाघाट बैया रोड लौगुर घाटी में पेड़ से टकराई कार, घटना में वेटनरी विभाग के कार्यरत वैक्सीनेटर लखपति बिसेन और निमेश्वर पटले से घायल। गंभीर रूप से घायल निमेश्वर पटले को बेहतर इलाज के लिए किया गया गोंदिया रिफर।